So, very good morning, everyone. Today we are going to discuss the topic fertilization and implantation. So, आज के विषय में हम लोग fertilization और implantation के बारे में पढ़ेंगे after zygote के बाद. In human reproduction, both the male or female gamete fuse together. This process is called fertilization. You know. अब fertilization के बाद zygote होता है बेटा. अब जायगोट होने के बाद कैसे क्लीवेज होता है और कैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है और कैसे इम्प्लांटेशन होता है और कैसे पार्चुरेशन होते हैं और लैक्टेशन होते हैं, सारे प्रोसेस के बारे में आज डिस्कस करेंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज इम्प्लांटेशन? एनीवन, क्या होता है इम्प्लांटेशन? सर, जो ब्लास्टोसिस होता है उसको यूटेरस का एंडोमेट्रियम में सेट करता है. हाँ, जो ब्लास्टोसिस होता है, ब्लास्टोसिस जो होता है सर, उसका एंडोमेट्रियम, यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम होता है ना. हाँ, यूटेरस एंडोमेट्रियम ना बेटा. The attachment of blastocyst. The attachment of blastocyst with uterine wall or uterus. This is called implantation. What is implantation? तो आज की विषय में हम लोग पढ़ेंगे fertilization और implantation के बारे में. ड्यूरिंग द कॉप्युलेशन, जब भी कोइटस होता है बेटा, द सीमेन इज रिलीज बाय द पेनिस इन टू द वेजिना, इट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन. तो बेटा, ड्यूरिंग द कॉप्युलेशन और ड्यूरिंग द कोइटस, जो बेटा मेल का जो मेल गैमेट स्पर्म या सीमेन है वो कहां पे रिलीज होगा? पेनिस से रिलीज होगा. कहां पे? वेजिना. और उसके थ्रू से फेलोपियन ट्यूब में जाएगा. इसको अपन क्या कहेंगे? इंसेमिनेशन. सो सिंपली अगर देखेंगे द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनसाइड द फीमेल जेनिटल ट्रैक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन. व्हाट इज इंसेमिनेशन? तो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन में देखो बेटा क्या क्या स्टेप होता है. सबसे पहले आप देख सकते हैं बेटा, मेल से क्या आएगा? स्पर्म आएगा. फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए रे? मेल गेमेट स्पर्म चाहिए, फीमेल गेमेट ओव्यूम चाहिए, है ना बेटा? दोनों गेमेट का मिलन होगा तब जाके फर्टिलाइजेशन होके जायगोट बनेगा. ये सभी को पता है. अब स्पर्म आएगा कहां पे जाएगा बेटा? बताइए जल्दी. वेजिना में जाएगा. कहां पे? वेजिना. इंसेमिनेशन होगा. इसके बाद वेजिना से सर्विकल कैनल के थ्रू से यूटेरस होते हुए इस्थमस्त जंक्शन में जाएगा. इस्थमस्त के कौन सी पास? एम्पुलरी रीजन. तो बेडरूम ऑफ द फर्टिलाइजेशन क्या कहेंगे? जंक्शन भी कहीं कहीं पे कहा जाता है. दूसरा कंसेप्ट में देखेंगे बेटा ओव्यूम. अब फीमेल गैमेट से क्या क्या आएगा बेटा? फीमेल से ओवरी से ओव्यूलेशन होगा. ओव्यूलेशन होने से क्या आएगा? ओव्यूम आएगा. क्या आएगा? ओव्यूम. ओव्यूम पहले कौन ओव्यूम को कलेक्ट करेगा? फिम्ब्रिय, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है. फिर इन्फंडिबुलम पे आएगा. फिर इन्फंडिबुलम से एम्पुला में, और एम्पुलरी रीजन. तो एम्पुलरी रीजन में देखो, मेल गेमेट स्पर्म एंड फीमेल गेमेट ओव्यूम दोनों आ गया. सो दिस इज द जंक्शन, व्हिच जंक्शन इज कॉल्ड इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन, जहां पे आपका क्या होगा? Fertilization. So this process is called fertilization. What is this? Fertilization.
इसको क्या कहेंगे, देखो ये लेफ्ट वाला डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे बेटा, इसमें देखो क्या है, इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन, क्या कहेंगे, इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन। इधर से देखो ये वाला डायग्राम में आप अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे बेटा, देखो ये सब क्या है, ये सब ये स्पॉर्म है, देखो फीमेल की वेजिना के थ्रू से देखो कहाँ पे आया, इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन में आया यहाँ पे, और इधर से देखो ओव्यूम रिलीज होके आया, और इधर से स्पॉर्म आया, आप दोनों के बीच में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। ऑल ऑफ यू क्लियर? सो फ्यूजन ऑफ स्पॉर्म विद ओव्यूम, द फ्यूजन ऑफ स्पॉर्म विद ओव्यूम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्या है, फ्यूजन ऑफ स्पॉर्म विद ओव्यूम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और ये कौन सी रीजन में होता है, एम्पुलरी रीजन में होता है, जो कि फेलोपियन ट्यूब का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। अरे सभी को समझ में आया जी? यस सर। तो बेटा मेरे आप सभी सभी से निवेदन है, अब तो आज मैट्रिक सीबीएसई का रिजल्ट आएगा और कुछ दिन के बाद एक हफ्ता के बाद आपका स्टेट बोर्ड का भी आएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, जो लोग बीएससी करना नहीं चाहते हो, जो लोग बीएससी बीए बीकॉम करना नहीं चाहते हो, उनके लिए परसेंटेज का कोई वैल्यू है ही नहीं। इसके लिए आप ओरिट मत होइएगा कि परसेंटेज घट गया या बढ़ गया, ये कोई ओरिट होना नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कुछ स्टूडेंट मुझे सवाल पूछ रहे थे, कुछ पेरेंट्स भी मुझे बोल रहे थे कि सर बच्चा का 65% हुआ, 67 हुआ, 70 हुआ, क्या सर मेडिकल एग्जाम दे पाएगी कि नहीं, कि नहीं दे पाएगी। किसी किसी ने गलत फहमी बोल रखा है शायद कि मेडिकल एग्जाम नहीं, 75% प्लस या 80 रखने से दे सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं एडमिशन के लिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो 50% है ना। हाँ, इसीलिए मैंने यस्टरडे बेटा आप लोग को मतलब टेलीग्राम पे मैंने बताया था, भी डिस्कस भी किया था कि नहीं ऐसा नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है स्टेट गवर्नमेंट नीट के लिए, देख लो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, सभी को पता होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट नीट के लिए नीट 2020 की जो एलिजिबिलिटी है बेटा, इसमें ऑल स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ऑल स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए आपको जनरल में 50% मार्क होना चाहिए, ओबीसी में आपको बेटा ये याद रख लेना सबको, और कोई अगर गलत फहमी है तो भी बोल देना, ओबीसी में 45 और एससी और एसटी में बेटा आपको चाहिए 40%। इतना परसेंट आपकी इंटरमीडिएट में प्लस टू में होना चाहिए एग्रीगेट, ठीक है, तब आपका अगर उधर रैंक अच्छा रहेगा तो आपको मिलेगा मेडिकल। मान लीजिए किसी का परसेंट 50 है या 60 है, लेकिन मेडिकल का जब रैंक निकला उसमें अच्छा रैंक है तो उसको सीट मिलेगा गवर्नमेंट में। अगर मान लीजिए किसी को 90% है प्लस टू में लेकिन मेडिकल में अच्छा रैंक नहीं रखा तो उसको एडमिशन मिलेगा नहीं। और मान लीजिए आपका अगर बिलो 50% है और आपको मेडिकल अच्छा रैंक मिल गया, आप एडमिशन नहीं ले सकते। इतना परसेंट जो है ये नीट के लिए है, ऑल स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और दूसरी बात है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एडमिशन लेने के लिए आपको बेटा देख लो यहां पे, मेडिकल 2020 में अगर देखेंगे जनरल में बेटा 60% होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश मिला के 60%, ओबीसी 55, एससी एसटी 50%। इतना परसेंट अगर आपका होगा तो आप एम्स में एलिजिबल है एडमिशन के लिए। अरे सभी को पता चला कि नहीं, यस और नो? यस सर। तो इसीलिए दोज हु आर इंटरेस्टेड टू बी अ डॉक्टर इन योर फ्यूचर, सो यू मस्ट बी प्रिपेयर योर सेल्फ
वेरी सिंसियरली ओके, और ये सब सोचना नहीं है कि नंबर घट गया किसी में है। बायोलॉजी में 17 तारीख से रीचेकिंग आ रहा है, रीचेकिंग कर देना, जो जो सब्जेक्ट में आपका कम नंबर आया कोई मतलब ही नहीं है। प्लस टू मार्क का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको एंट्रेंस मिल गई ना तो जिंदगी बदल गई। और एंट्रेंस एमसीक्यू क्वेश्चंस होगा, यहाँ कोई गफलाती होगा नहीं, और ये मशीन में चेक होता है ओएमआरसी, तो यहाँ पे कोई फैसिलिटी होगा नहीं। आपको अगर सही से करके आए हो तो आपको सही नंबर मिलेगा। इसलिए अपने ऊपर भरोसा रखो और अपने आप को चैलेंज करो, यार छोड़ो प्लस टू में जो हुआ मैं मेडिकल निकाल के रहूंगा, और मैं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं पे भी मेडिकल कॉलेज में मैं तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, डॉक्टर बनूंगा मीन्स बनूंगा, यही सोच रखो ठीक है ना। और जो लोग देखो, और सेकंड बेटा, कुछ बच्चे का कंफ्यूजन ये होगा, मैं उनको भी बता देना चाहता हूं। देखो आफ्टर क्लास इसके बाद पढ़ते रहेंगे और ज्यादा टॉपिक है नहीं। आफ्टर आप लोग सोचते होंगे कि सर आफ्टर प्लस टू साइंस क्या स्कोप है, तो आफ्टर प्लस टू साइंस अगर देखेंगे बेटा, तो आफ्टर प्लस टू साइंस में आपको कहने के लिए चाहूंगा कि देखो एक ग्रेजुएशन होता है, बीएससी है, बीए है, बीएससी है, इसके बाद क्या है आपका, थोड़ा सा बता दे रहा हूं, एक पता होना चाहिए, बीए है, और एक बीकॉम होता है, बीकॉम है, और एक बीटेक है, और एक एमबीबीएस है, एक बीएएमएस है, एक बीए बीएचएमएस है, एक बीएससी नर्सिंग है, एक बीएससी एग्रीकल्चर है, ठीक है, बीएससी वेटरनरी साइंस है, इसके बाद आपको मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट लाइन है, ठीक है। तो अभी अगर देखेंगे बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर इन आर्ट्स या बैचलर इन कॉमर्स, ये सब जो है ये नॉर्मल है आपका, नॉर्मल मतलब ग्रेजुएशन। बीटेक में आपका टोटल इंजीनियरिंग ब्रांच आ जाएगा, एमबीबीएस में आपका जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सारा एलोपैथी वाला है, आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस ये भी मेडिकल डॉक्टर है, बीएचएमएस भी मेडिकल डॉक्टर है, बीएससी नर्सिंग ये 4 साल का होता है, ज्यादा करके लड़कियां के लिए होता है, ये भी बहुत अच्छी है, बीएससी एग्रीकल्चर जो कि ओयूएटी में, और बीएससी वेटरनरी साइंस ओयूएटी में, या मैनेजमेंट जो ये वगैरह आपका बैचलर इन कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन ये सब वगैरह वगैरह उसमें मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, ये सब कोर्स सब होता है। तो आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है। और अभी देखेंगे अगर हमारा लोकेलिटी में तो संबलपुर यूनिवर्सिटी के अंडर में 61 कॉलेजेस है, जो छोटा मोटा गांव में सब कॉलेज देखने को मिलता है। और अच्छा कॉलेज देखेंगे तो 2 कॉलेज है जो कि संबलपुर में, वो है प्लस 3 पढ़ने के लिए, जो कि आपको गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी बीएससी और बीकॉम के लिए। हेलो, यस सर, यस सर, हाँ सर, तो आपको जीएमयू है गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी, इसमें हर ऑनर्स में जूलॉजी में मान लो जूलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बोटनी हो गया, हर ऑनर्स में 50 सीट होता है, कितना सीट होता है 50 सीट होता है। इसके बाद संबलपुर में और एक अच्छा है आपका गवर्नमेंट वोमेन्स कॉलेज संबलपुर, गवर्नमेंट वोमेन्स कॉलेज संबलपुर, यहाँ पे भी वही सेम एक एक ऑनर्स में मतलब 50-50 सीट है, जूलॉजी बोटनी आपको केमिस्ट्री सारा मिल जाएगा, फिजिक्स ये सब आ जाएगा। तो ये जो है ये आपका मतलब संबलपुर में जो गवर्नमेंट का है, जहां पे आपको मतलब इयरली
3,000 या 4,000 एडमिशन फीस लगेगा, पढ़ाई में खर्चा, बीएससी कीजिएगा या बीए कीजिएगा, कुछ भी कर। सेकेंड बात है, आप लोग का मन में होता होगा यार बीएससी किया जाए तो कितना परसेंट कटअप होता है। तो जीएम कॉलेज की अगर मैं बात करूं लास्ट प्रीवियस ईयर्स की, तो जीएम के लिए आपको बेटा जनरल में एटलीस्ट पहला सिलेक्शन के लिए 85% चाहिए, ओबीसी में आपको सिलेक्शन के लिए 80+ चाहिए, और एससी और एसटी में आपको सिलेक्शन के लिए 75 के आसपास चाहिए, पहला सिलेक्शन की मैं बात बोल रहा हूं, और बाकी जो है सेकंड सिलेक्शन। तो आप लोग सोच लो, और ए बेदी या एम्स या विकास में जाके फिर +3 करोगे, 3 साल कोई फायदा नहीं है, 5 लाख रुपया खर्चा करोगे, लाख लाख रुपया देके। उससे अच्छा है आप अगर सही तरीके से तैयारी कर लोगे ना एक बार, तो अगर मेडिकल मिल गई ना कि अच्छा, कोई भी अच्छा एंट्रेंस आपका निकल गया ना, तो जिंदगी बदल गया, आपका करियर सेफ है। मान लीजिए आपको बीएससी बीए बीकॉम कुछ भी मिल गया, अब करके आफ्टर दैट क्या करो, फिर बीडी करोगे, मास्टर टे हाई स्कूल मास्टर टे की एसएस मास्टर टे हमी बोलबो, फिर मास्टर टे जदि नहीं करबो नहीं पाइबो बोले फिर नहीं एमएससी करसी, फिर एमएससी करी करी जॉब नहीं हेले फिर पीएचडी करसी, फिर पीएचडी करू करू तुमके 15 बरस हो जाइबा, बुझुछ कि सेतानो बेस्ट हला तुम्हें नॉर्मल ग्रेजुएट के छाड़ी करी प्रोफेशनल कोर्स में एंट्री करने के लिए कोशिश करो। प्रोफेशनल कोर्स में एंट्री करोगे तो जल्दी आगे बढ़ सकते हो, एमबीबीएस बीटेक ये सब करके भी आप आईएएस एग्जाम दे सकते हो, यूपीएससी एग्जाम दे सकते हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, कलेक्टर, आईपीएस जो बनते हैं, तो इसके लिए ओरिट होना नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूँ जो लोग मतलब कम परसेंट लाए हुए हैं, ओरिट होना नहीं है, आप एंट्रेंस एग्जाम सारा दे के एडमिशन कर सकते हैं, इसीलिए एंट्रेंस के लिए फोकस कीजिए, और ये सब के लिए कोई मतलब मकसद मत रखे, कोई फायदा है। ठीक है, आगे चले। तो सभी को समझ में आया, कोई और भी ये रिलेटेड किसी को इंक्वायरी है तो मुझे पूछ सकते हो। हम लोग जेएनयू से पढ़े हैं, आपका बायोलॉजी मैडम आईआईटी खड़गपुर से एमटेक किए, फिर भी देखो जॉब नहीं, तो नॉर्मल लाइन में फंस जाओगे। जिसके पास पेशेंस है 15-20 साल पढ़ने का, और वो लोग नॉर्मल बीएससी एमएससी करें। तो देखो बेटा, फर्टिलाइजेशन यानी इम्प्लांटेशन, ठीक है। सो फर्टिलाइजेशन तो मैंने बता दिया, फर्टिलाइजेशन हैपन ओनली कब होगा, इफ फर्टिलाइजेशन हैपन ओनली इफ ओव्यूम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्ट साइमल्टेनियसली। अगर स्पर्म भी जाएगा इधर से इंसेमिनेट होगा, और उधर से आपका क्या होगा, उधर से आपका ओव्यूम भी आएगा, तो दोनों शादी में आएगा तो फर्टिलाइजेशन संभावना है, फर्टिलाइजेशन होने का चांसेस है। दोनों साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे एक ही समय पे एम्पुलरी रीजन, इसमें एम्पुलरी रीजन में आना चाहिए, तभी जाके दोनों के बीच में मिलन होगा और फर्टिलाइजेशन होगी। सो ऑल कॉपुलेशन डू नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। बेटा लाखों लाखों आदमी है कॉपुलेशन कर रहा है, कोइटस कर रहा है रोज, ठीक है, लेकिन सारे क्या प्रेग्नेंट हो जा रहे हैं क्या, वोमेन सारे मतलब बच्चे पैदा कर रहे हैं क्या, नहीं। सारा कॉपुलेशन मतलब फर्टिलाइजेशन को लीड करेगा कोई मतलब नहीं है। आप तो कॉपुलेशन कर रहे हो, आपके थ्रू से सीमेन जा रहा है, लेकिन आप जब भी मेल का एक खासियत है कि मेल जब भी कॉपुलेशन करेगा स्पर्म जाएगा फीमेल में, इंसेमिनेट होगा, लेकिन फीमेल का अंदर में क्या होता है 28 दिन में जो 14 नंबर दिन है उसी मतलब फर्टाइल पीरियड के टाइम में ही उसका मतलब जो ओव्यूलेशन के टाइम में ही ओव्यूम आएगा, एक ही बार आएगा, बार बार आएगा नहीं ओव्यूम, ठीक है ना। तो अगर उसी ओव्यूलेशन के दौरान आपकी सीमेन गया
तो वहां पे ज्यादा चांसेस है फर्टिलाइजेशन होने का, अदरवाइज इट नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सो रिमेम्बर. सो बेटा ये वाला डायग्राम को देखो, ये वाला डायग्राम, ठीक है, ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम को देखेंगे तो ये राउंड वाला शेप का जो है बेटा, ये क्या है आपका, क्या है, ओव्यूम, क्या है रे, ओव्यूम है. ये क्या है आपका ओव्यूम, और ये क्या है आपका स्पोर. दिस इज द स्पोर. बेटा मैं अगर बोलूंगा एक बार स्पोर्म इजैकुलेट करने से मिलियंस ऑफ स्पोर्म आते हैं, 200 टू 3 मिलियन ऑफ स्पोर, 300 मिलियन ऑफ स्पोर कम टुवर्ड्स द ओव्यूम. तो ओव्यूम के आउटर कवरिंग लेयर में बेटा मैंने कहा आपको जोना पेलुसिडा. तो स्पोर्म को ओव्यूम के भीतर घुसने के लिए, एंट्री करने के लिए जोना पेलुसिडा के मदद से ही जाना पड़ेगा. Without Jonah pellucida layer, they cannot enter inside the ovum or cytoplasm of the ovum. So, Jonah pellucida का काम क्या है बेटा? एक sperm जब अंदर चले जाता है, तो rest of the remaining जो sperm बचा, उस additional sperm को entry करने में block करता है. तो Jonah pellucida एक ऐसा membrane है that block the entry of additional sperm inside the cytoplasm of ovum. Is it clear what I'm talking to you, my dear students? So, क्या है? Jonah pellucida बेटा ovum का वो outer covering layer होता है, जो कि एक sperm अंदर enter करने के बाद बाकी rest of the remaining sperm को block करता है, ताकि अंदर घुसने नहीं देता है. मतलब ये कहने का मतलब है कि आज ए सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है. ऑल ऑफ यू क्लियर? अब स्पर्म का जो हेड है, यहाँ पे क्या होता है, एक्रोसोम होता है हेड पार्ट. तो सिक्रेशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प स्पर्म टू एंटर द एक साइटोप्लाज्म है जोना पेलुसिडा. तो ये एक्रोसोम का सिक्रेशन होगा, और इसी एक्रोसोम में कौन सी एंजाइम होता है, हाइड्रोनिलेस एंजाइम होता है, ठीक है. और ये हाइड्रोनिलेस एंजाइम हाइड्रोसिलेज करने में मदद करता है, ताकि वो क्या करेगा बेटा, वो जो स्पर्म है, वो स्पर्म को जोना पेलुसिडा की मेम्ब्रेन के थ्रू से वो क्या करेगा, जो ओव्यूम का साइटोप्लाज्म है और एक का साइटोप्लाज्म, वहां एंट्री करने में मदद करेगा. सो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट. और दिस वॉज द सेकेंड म्यूटिक डिविजन, the secondary oocyte to form an ovum. So formation of ovum जो होता है ovulation, उसी ovum को क्या कहते हैं, oocyte भी कहते हैं. क्या कहते हैं? Oocyte. OOTID and second polar body. तो बेटा क्या है, एक ही ovum formation होगा और दो दो polar body formation होगा. कहाँ से? Secondary oocyte से. कैसे होगा? By the help of meiotic division. फिर द हैप्लॉइड न्यूक्ली ऑफ स्पर्म एंड ओव्यूम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द डिप्लॉइड जाइगोट. अब उसके बाद बेटा वो हैप्लॉइड ओव्यूम और हैप्लॉइड जो स्पर्म है, दोनों एक दूसरे से क्या करेगा बेटा, फ्यूज करेगा और n प्लस n इजिकल टू 2n बनेगा. तो 2n क्या होगा बेटा, डिप्लॉइड है. तो आपका n n क्या है बेटा, ये आपका हैप्लॉइड है. क्या है बेटा, हैप्लॉइड. तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड बनेगा तो क्या होगा बेटा, डिप्लॉइड बन जाएगा. ऑल ऑफ यू क्लियर? यस सर. यस सर. अब देखो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाला स्टेजेस देखो बेटा कैसे होगा. अब ड्यूरिंग द क्लीवेज क्या होता है करिश्मा बेटा, बोलो सर. ब्लास्टोमर्स बनता है. जायगोट अंडरगोस बेटा म्यूटिक डिविजन करेगा और क्या करेगा, क्लीवेज करेगा. क्या करेगा, क्लीवेज. तो क्या होगा, क्लीवेज होगा. आप ये धीरे 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 क्या करेगा, जो जायगोट है बेटा टू, ये क्या है, सिंगल सेल स्टेज है, टू सेल स्टेज बनाएगा. फिर टू टू फोर सेल स्टेज, फोर टू
नंबर सेल स्टेज, तो 16 नंबर सेल स्टेज को क्या कहते हैं हम, मोरूला के ये फोर्थ सेल स्टेज हो गया। फोर्थ सेल स्टेज के बाद देखेंगे तो ए हो जाएगा ऐसे ऐसे आएगा, एट सेल स्टेज हो जाएगा, एट से 16 टू फिर ब्लास्टोसिस्ट, तो 16 नंबर सेल स्टेज जो है उसको कहेंगे मोरूला, क्या कहेंगे मोरूला। और बेटा ये 2, 4, 6, 8 और 16 सेल स्टेज को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, ब्लास्टोमर्स कहेंगे, क्या कहेंगे ब्लास्टोमर्स। 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल आर कॉल ब्लास्टोमर्स, क्या कहेंगे ब्लास्टोमर्स, ब्लास्टोमर्स। मरूला, इसके बाद आपका ब्लास्टुला जिसको ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट के बाद आपका जो होता है गैस्टुला, क्या होता है गैस्टुला होता है, ठीक है ना बेटा। तो देखो द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमर इज कॉल्ड मरूला कहते हैं, जो 8 से 16 बनाता है उसको हम कहते हैं मरूला। और मरूला अब क्या करेगा बेटा, कंटिन्यूसली डिवाइड करके क्या बनाएगा, ट्रांसफॉर्म होके क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। अब मेडिकल में सवाल पूछेंगे द आउटर कवरिंग लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इज कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट, अरे क्या होता है ट्रोपोब्लास्ट। और इनर इज द इनर सेल मास, भीतर में इनर सेल मास होता है और बाहर में ट्रोपोब्लास्ट होता है, ठीक है ना बेटा। अब ये ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस के साथ आके अटैचमेंट करेगा, इसको अपन क्या कहेगा जी, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन। सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। आप सर ये वाला डायग्राम देखो, देखो जायगोट से क्लीवेज हुआ, फोर सेल स्टेज 2, 4, 8 बना, ठीक है 16 बना, फिर ऐसे ब्लास्टुला बनेगा। आप ये ब्लास्टुला का एक क्रॉस सेक्शन डायग्राम देखो, आप एक गैस्टुला का डायग्राम। अब बेटा ये ब्लास्टोसिस्ट के बारे में पहला देखते हैं। ब्लास्टोसिस्ट जो होता है बेटा उसकी आउटर कवरिंग लेयर को अपन क्या कहते हैं, ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं, मेडिकल में आता है। और भीतर वाला जो होता है इनर सेल मास कहते हैं, क्या कहते हैं इनर सेल मास। और एक ट्रोपोब्लास्ट का जो सुनो, और एक ट्रोपोब्लास्ट लेयर गिव्स द नरिशमेंट टू इनर सेल मास। एक ट्रोपोब्लास्ट जो लेयर सोचा है बेटा, ये नरिशमेंट किसको प्रोवाइड करता है, इनर सेल मास को, एंड आल्सो गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम, और यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम है वहां पे अटैच हो जाता है। अब इसके बाद बेटा, अब अटैचमेंट होने के बाद यूटेरस में क्या होता है, इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएट। अब इनर सेल मास जो होगा वो डिफरेंशिएट होकर 3 जर्म लेयर बनाएगा, मेडिकल क्वेश्चन से इंपोर्टेंट याद रखिएगा, कितने जर्म लेयर बनाएगा, 3 जर्म लेयर बनाएगा, है ना बेटा। तो पहला वाला जर्म लेयर को क्या कहेंगे, एक्टोडर्म, जो आउटर लेयर है, क्या है आउटर लेयर। और मिडिल लेयर को क्या कहेंगे, मेजोडर्म। और इनर लेयर ऑफ जर्म लेयर को क्या कहेंगे, एंडोडर्म। और दिस 3 लेयर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गैस्टुला, ये स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, गैस्टुला कहते हैं। देखो ये वाला क्या कहते हैं, गैस्टुला कहते हैं, गैस्टुला ये वाला स्ट्रक्चर है। ऑल ऑफ यू क्लियर? यस सर। तो आपको अगर पूछेगा ब्लास्टुला के बाद जब गैस्टुला बनता है तो गैस्टुला में कितने लेयर बनता है, जो इनर सेल मास होता है डिफरेंशिएट होके कितने लेयर ऑफ सेल्स बनाता है, 3 लेयर सब बनाता है, आउटर लेयर, एक्टोडर्म, मिडिल लेयर, मेजोडर्म, इनर लेयर, एंडोडर्म। ऑल ऑफ यू एंडोडर्म। अब धीरे 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 कौन सी सेल्स की मदद से ये लोग एम्ब्रियो को डेवलपमेंट करना शुरू करेगा, बाय द हेल्प ऑफ स्टेम सेल, कौन सा, STEM, स्टेम सेल का मदद। अब क्या होगा बेटा, वहां से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा और एम्ब्रियो गैस्टुला से स्टार्ट होता है फॉर्मेशन। तो देखो देखो ये वाला डायग्राम, आफ्टर अटैचमेंट द यूटराइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। जब बेटा ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, जब भी यूटराइन वाल में आके आपका क्या
ब्लास्टोसिस्ट जब भी यूटराइन वाल में आके अटैच हो जाएगा तो वो क्या करेगा, द यूटराइन सेल डिवाइड, यूटराइन सेल अब धीरे 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 रैपिडली डिवाइड करेगा और ब्लास्टोसिस्ट को पूरा अंदर घुसा देगा और पूरा कवर अप कर लेगा। देख रहे हो डायग्राम में, देख रहे हो, अब देखो ये डिवाइड होके अपना सेल्स बना रहा है, अब इसको इसे कवर कर रहा है, ठीक है ना। अब ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। अब जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूटेराइन वॉल जो होता है वो एंडोमेट्रियम होता है और ये एंडोमेट्रियम अपना लेयर को ग्रो करेगा और धीरे 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 इसके चारों तरफ कवर अप करेगा। अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होना वहां से फिर शुरू करेगा। ये वाला देखो एनसीईआरटी की डायग्राम, ठीक है। तो क्या हुआ, ये ओवरी है, देखो ये ओवरी से ओव्यूलेशन हुआ है ना, ठीक है। अब इधर से इंसेमिनेशन हुआ स्पर्म का और ए स्पर्म जाके यहाँ पे फर्टिलाइज हुआ, तो दोनों स्पर्म देखो ये वाला देखो, ये पहला पिक्चर देखो, एक नंबर पहला तो यहाँ पे सेकेंडरी ओसाइट बना, ओव्यूलेशन हुआ, फिर यहाँ पे दो नंबर पे देखो स्पर्म आया ओव्यूम के पास, अब एक सेल के साथ स्पर्म फ्यूज हुआ तीन नंबर में, अब चार नंबर में देखेंगे तो दोनों फ्यूज होके जायगोट बनाए, अब जायगोट बनाने के बाद फिर क्लीवेज होके पांच नंबर में क्या हुआ, टू सेल स्टेज बना, फिर छह नंबर में फोर सेल स्टेज, फिर सात नंबर में एट सेल स्टेज, ये प्रोसेस को क्लीवेज कहते हैं। फिर इसके बाद अगर देखेंगे मोरूला बना एट नंबर स्टेज में, इसके बाद नाइन नंबर स्टेज में ब्लास्टोसिस्ट, फिर ब्लास्टोसिस्ट पे था अटैचमेंट हुआ जाके यूटेरस में एंडोमेट्रियम में, फिर वहां से क्या बना, क्या बना, गैस्ट्रुला बनके एम्ब्रियो डेवलपमेंट होना शुरू। क्लियर? तो देखो प्रेग्नेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे प्रेग्नेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होते हैं। अभी लॉग आउट हो जाएगा तो तुरंत लॉग इन कर लेना। और बायोलॉजी आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कंप्लीट हुआ क्या बेटा? हाँ सर। हाँ सर। तो लास्ट चैप्टर पढ़ना है ना एनवायरमेंटल इशू, तो साढ़े नौ स्टार्ट हो गया। हाँ तो एनवायरमेंटल इशू आज क्लास दे रहा हूँ मैडम का, इसके बाद मैडम का क्लास करके एनवायरमेंटल इशू जल्दी कंप्लीट कर लो, तो कुछ दिन मैडम का क्लास को ब्रेक करेंगे, ठीक है। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या क्या देखेंगे बेटा हम लोग, जल्दी जल्दी बताओ रे, टाइम खत्म होने वाला है। अब बेटा ये धीरे 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 डायग्राम में देखो, यहाँ पे बेटा धीरे धीरे क्या करेगा, क्या करेगा बेटा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होना शुरू करेगा यूटेरस के भीतर। अब मैंने क्या बोला था बेटा, ये तो आपका प्लासेंटा है, अब यहाँ पे एक कवरिंग लेयर जो बने बन रहा है वाला क्या है, वाला पर्सन प्लासेंटा, देख रहे हो प्लासेंटा, आप ये क्या है बेटा यूटेरस है ये बाहर वाला, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था आपको, यूटेरस और प्लासेंटा के बीच में क्या कनेक्शन है, जैसे कि